बर्बाद करने आया हूँ, बर्बाद करने आया हूँ, बर्बाद करने आया हूँ। ना जल सकूँ ना मर सकूँ, मैं दुनिया ही तहस नहस करने आया हूँ, तहस नहस करने आया हूँ, तहस नहस करने आया हूँ। मैं हूँ प्लास्टिक। थैंक यू सो मच सर। स्वच्छता लीग में हम सब पुली आए हो तो पीने वाला पानी भी पी सकते हो, इसलिए आखना मैं प्लास्टिक का खत्म करने हो सारी की सारी धरती, करोड़े साल तक बंजर करी उड़गा। आखना मैं प्लास्टिक का जिन्होंने डिबेट कंपटीशन में बात रखी है।
जो कार्यक्रम है उसमें डिस्ट्रिक्ट सांबा में म्यूनसिपल काउंसिल सांबा को चुना गया, और इसी परिप्रेक्ष्य में म्यूनसिपल काउंसिल सांबा द्वारा यूथ वर्सेस गार्बेज और इंडियन स्वच्छता लीग में सुबह प्लॉगिंग ड्राइव हुई, जिसमें सांबा के फोर्ट से लेके वीरभूमि पार्क तक सफाई का बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के यूथ ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एक नुक्कड़ नाटक की प्रेजेंटेशन हुई, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, इन सभी मुद्दों पर बात हुई, और अंत में कुछ यहाँ के स्कूली बच्चों के द्वारा एक परफॉर्मेंसेस दी गई, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कैसे सांबा शहर को और साफ रखें और स्वच्छ रखें। ये भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसमें यूथ इन्वॉल्वमेंट करके कैसे साफ सफाई को इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने शहरों को और साफ बनाएं, इसके लिए ये टारगेट एक यूथ स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपके माध्यम से भी सांबा शहर के जितने भी हमारे यूथ हैं, युवा युवतियां हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूथ वर्सेस गार्बेज में आप सभी अपने अपने घरों के आसपास में जितने गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, अपने जो एरिया हैं, वार्ड्स हैं, वहाँ की साफ़ सफाई के लिए कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके लिए एक अपने जो है स्ट्रेटजी बनाएं, और काउंसिल के साथ और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी उनके साथ मिलके जहाँ तक सफाई की बात है, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा, हमारे शहर तब तक साफ़ नहीं रहेंगे जब तक यहाँ के खुद के लोग अपना वेस्ट सेग्रीगेट ना करें, उसको सफाई जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं उनको ना दें, और उसको ओपन में डंपिंग ना करें। ओपन में डंपिंग करने पे फाइन भी होता है, और उसके साथ साथ में वो परिवार को दूषित भी करता है, इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सांबा शहर को साफ बनाए रखने के लिए आप सभी लोग आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें प्रशासन का और काउंसिल का भी सहयोग करें। सफाई किसी एक व्यक्ति का ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे सभी लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझते हुए अपने सफाई अपने जो सांबा शहर है इसको साफ रखने में पूरा योगदान दें, और इंडियन स्वच्छता लीग में सांबा का नाम रोशन करें। आप लोगों का